हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 17 अगस्त से एग्ज़ाम, लेकिन टेंटेटिव क्यों? फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस तो आ चुका है, लेकिन आपका सवाल ये है अब टेंटेटिव क्यों, ईसीए कौन है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं फ्रेंड्स आपके मन में जो अभी आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं। और आप लोग ये कह रहे हैं ऐसे नोटिस तो कई बार आ चुके हैं, कहीं ऐसा नहीं ना कि फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कहीं फिर से ये इलेक्शन स्टंट तो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है। और आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी ऑफिशियल नोटिस आए हैं, मैं सभी नोटिस को मना करते आया हूँ, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग आज तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस नोटिस को भी एनालाइज कर लेते, समझ लेते इसका क्या मतलब है, क्या इस डेट पर एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए या फिर आरआरबी को धन्यवाद बोलिए कि इनके इस नोटिस के वजह से अब आप उन यूट्यूबर से बच चुके हैं जो पिछले 3-3.5 साल से लगातार अपने मन से कोई ना कोई फेक डेट डिक्लेयर कर रहे थे। कभी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे थे, तो कभी ईमेल रिप्लाई दिखा रहे थे, कभी आईटीआई रिप्लाई दिखा रहे थे, और ऐसा ही फेक अफवाह फैलाकर एक जुलाई का माहौल बना लिए थे, जिसके लिए मैं आपसे लगातार मना कर रहा था फ्रेंड्स कि जुलाई में एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है। मेरे हर एक वीडियो में देखेंगे, मैं यही कहा हूँ, जुलाई में एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, और जुलाई के 15 अगस्त तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ईसीए कितना भी फास्ट काम कर ले, 15 अगस्त से पहले अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं बार बार यही कह रहा था, और मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अक्टूबर की दिख रही थी। मैं फ्रेंड्स कभी पीछे नहीं हटता हूँ, जो बात कहता हूँ बात हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, इन लोगों की तरह नहीं है कि रोज़ नया डेट डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपसे यही कह रहा था फ्रेंड्स, अगर बीच में रेलवे कोई नोटिस नहीं देता है तो ये लोग जुलाई लास्ट वीक से अगस्त फर्स्ट वीक पहुंचेंगे, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक पहुंचेंगे, सेकंड वीक से थर्ड वीक पहुंचेंगे, सितंबर पहुंचेंगे, ऐसे ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोग का नया धंधा नहीं, बहुत पुराना धंधा है। और बीच बीच में ट्विटर कैंपेन का भी बवाल करेंगे, और ट्विटर कैंपेन से फ्रेंड्स आज तक आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों? इन लोग का फ़ायदा हुआ है, इनके व्यूअर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि कैंपेन चलाते हैं, फिर आप लोग ढूंढते कौन कैंपेन चला रहा है ट्विटर पर, तो ऐसे इनको फ़ायदा होता है। आप मुझे एक भी प्रूफ दिखा दो कि आज तक ट्विटर कैंपेन से कभी रेलवे का रिप्लाई आया हो, कभी कुछ नहीं हुआ है। रेलवे केवल किसकी बात समझता है? फिजिकल प्रोटेस्ट की। लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको रीज़न दे चुका था फ्रेंड्स कि रेलवे जुलाई में नोटिस देने के बाद भी एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकता है। मैं साफ सब बताया था कि जो जुलाई का नोटिस आया था वो 10 मार्च को आया था, वो पिछले ईसीए के अकॉर्डिंग आया था, जब रेलवे मान करके चल रहा था कि एनएससीईआरटी एग्ज़ाम कराएगी, मैं आपसे बोला था। और रेलवे तब से लगभग 4 महीना जोड़ करके आपको जुलाई का डेट बता रहा था, ठीक है, कि जुलाई में हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहाँ टेंटेटिवली के साथ साथ पॉसिबिलिटी वर्ड भी लिखा हुआ था, तो मैं इसलिए साफ साफ मना कर देते फ्रेंड्स, एजेंसी जो है एनएससीईआरटी नहीं है, ये बात मैं आपको बताया था। और एनएससीईआरटी उस टाइम बोले, तभी मैं मना कर रहा था फ्रेंड्स, एनएससीईआरटी इतना बड़ा एग्जाम नहीं करा सकती है। लेकिन यही छोटे मुर्गे, नए मुर्गे, छोटे यूट्यूबर्स हैं, तमाम अफवाह फैला के आपके दिमाग में भ्रम डाल दिए कि कभी एनएससीईआरटी एग्ज़ाम कराएगी, कभी एमईएल एग्ज़ाम कराएगी, कभी ये कराएगी, कभी वो कराएगी। ये लोग टेंडर प्रोसेस कभी देखे ही नहीं, जानेंगे क्या टेंडर प्रोसेस होता ही क्या है, इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे हैंडल होता है, इन्हें क्या मालूम। ये तो ये बोल रहे थे कि टेंडर होने के बाद 10 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन में ये हो जाएगा, 10 दिन में वो हो जाएगा, 2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। हुआ 10 दिन में? मैं आपसे क्यों आखिर इतने कॉन्फिडेंस से बोला था 15 अगस्त के पहले पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से बोला था फ्रेंड्स, क्योंकि टेंडर के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो अभी फाइनल हुए हैं। और ये किसके बदौलत हुए? 15 अगस्त के बाद एग्जाम तुरंत स्टार्ट हो रहा है, इसका धन्यवाद आपको ईसीए को करना चाहिए। और ये कौन ईसीए? टीसीएस है फ्रेंड्स, जिसको लेकर के मैं 3-3.5 साल पहले ही कन्फर्म था कि इतना बड़ा एग्जाम टीसीएस के और कोई नहीं करा सकता। अब प्रूफ मांगेंगे तो फ्रेंड्स मैं इसका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि ईसीए टीसीएस ही है, लेकिन इसका स्पीड बता रहा है कि टीसीएस ही है, क्योंकि मात्र 2.5 महीने में सब प्रोसेस कंप्लीट करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर कोई और एजेंसी रहती तो वाकई में 4 महीने लग जाते और फिर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम खिंच जाता। अब बहुत से लोग ये कहेंगे अगस्त में और भी एग्ज़ाम है, कैसे होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताया था कि इस बार आरआरबी वाइज एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे चाहे और ईसीए चाहे बीच बीच में एग्ज़ाम को एडजस्ट कर सकता है और कई फेज़ में एग्ज़ाम को करा सकता है। तो वही जिस नोटिस में आया हुआ है फ्रेंड्स, इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए, फालतू डिस्ट्रैक्शन से अब आप बच चुके हैं जो लोग आपको ट्विटर कैंपेन की ओर मोड़ रहे थे। मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि आप वेट करो, रेलवे खुद ऑफिशियल नोटिस देगा, या तो पोस्टपोनमेंट वर्ड यूज़ करेगा कि मैं पोस्टपोन कर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं करा पाऊँगा, या फिर डायरेक्टली एग्ज़ाम डेट ही डिक्लेयर कर देगा।
तो फ्रेंड्स रेलवे ने क्या किया, डायरेक्ट एग्जाम डेट ही डिक्लेयर कर दिया। और मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स, ये लोग कितना भी हल्ला मचा ले जुलाई अगस्त फर्स्ट वीक, लेकिन 15 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। आपका एग्जाम जो है साफ साफ ऑफिशियल नोटिस लिखा हुआ है 17 अगस्त से टेंटेटिव है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, जो टेंटेटिव वर्ड से परेशान है इसका भी हम चर्चा कर लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप वाकई में ऐसे जेन्युइन अपडेट लगातार चाहते हैं और चाहते हैं इनके मतलब डिस्ट्रक्शन से बचे रहे, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। जो लोग हल्ला मचाए हुए कमेंट कर रहे हैं पिछले वीडियो में, बोल रहे हैं कि तुम तो बोले थे अक्टूबर से होगा, फ्रेंड्स मेरा उनसे यही कहना है, एक बार मेरा वीडियो जाकर के फिर से जाकर देखो मैं कब कहूं अक्टूबर से होगा। मैं बार बार कह रहा था कि मैं इन फेक यूट्यूबर्स पर कभी भी 100% दावा नहीं कर सकता हूं, मैं केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था कि अक्टूबर से होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो अगले साल भी जा सकता है, सब कुछ ईसीए के ऊपर डिपेंड करता है। जहां मैं दावा किया था वहां दावा मेरा सही निकला, मैं दावा क्या कर रहा था कि 15 अगस्त तक इम्पॉसिबल है, आगे का कोई मैं कंफर्मेशन नहीं दिया था। मैं क्या बोला था, कभी भी हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, फिर अगले साल भी जा सकता है। बस अक्टूबर की पॉसिबिलिटी में थोड़ा ज़्यादा मान के चल रहा था, लेकिन कभी ये नहीं कहा अक्टूबर से ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो को पूरा ध्यान सुनो, फिर कमेंट करो, जो मैं बोला हूँ एक्सेप्ट करो और फिर से जाकर मैं मेरे पुराने वीडियोज़ का हर वीडियो में यही कहा हूँ कि 15 अगस्त तक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बाकी मैं कभी ये नहीं कहा अक्टूबर से पहले इम्पॉसिबल है। और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो हर महीने डेट घोषित करते थे, इनका आप वीडियो उठा करके देखो, अभी अगस्त फर्स्ट वीक बोल रहे थे, उससे पहले जुलाई लास्ट वीक बोल रहे थे, और जब जुलाई वाला नोटिस नहीं आया था तो अप्रैल फर्स्ट वीक बोल रहे थे, मार्च लास्ट वीक बोल रहे थे, फिर 23 फरवरी बोल रहे थे, उससे पहले दिसंबर बोल रहे थे, उससे पहले अक्टूबर बोल रहे थे, उससे पहले अगस्त बोल रहे थे, तमाम डेट ही अपने पास से डिक्लेयर किए हैं और हर एक चीज़ का प्रूफ भी दिखाए हैं, कभी ITI रिप्लाई, कभी ईमेल रिप्लाई, कभी न्यूज़पेपर कटिंग। मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स, जो न्यूज़पेपर कटिंग लोग दिखा रहे हैं उसमें किसी अधिकारी का नाम क्यों मेंशन नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ फेक है। अगर किसी अधिकारी का नाम मेंशन न था तब मानता हाँ रेलवे ने ये बात बताया है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, रेलवे कोई भी अपडेट जो होता है अपने ऑफिशियल साइट पर न्यूज़पेपर में नहीं देता है, और रेलवे खुद अपने नोटिस बार बार ये बात मेंशन करता है कि आप केवल RRB के साइट पर ही विश्वास करें, बाकी कहीं विश्वास मत करें, किसी बात पर विश्वास ना करें, किसी अदर सोर्स पर विश्वास ना करें। इसीलिए मैं साफ साफ बोली फ्रेंड्स, जिस न्यूज़पेपर में लिखा 30 जुलाई से एग्जाम होगा, मैं डायरेक्टली मना कर दिया था कि न्यूज़पेपर बिल्कुल फेक है, ठीक है। बहुत से लोग वहाँ विश्वास नहीं कर पा रहे, सच्चाई के सामने आ चुकी है, जो कहा वो साबित हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा, अब इनके ऊपर मुझे हंसी आ रही है, इनका धंधा चौपट हो चुका है। अब ये किस बात का ट्विटर कैंपेन कराएंगे, अब ये किस बात का नया डेट घोषित करेंगे अपने पास से। हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, अब कहेंगे किस आरबी का एग्जाम पहले हो, किस आरबी का एग्जाम बाद होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस पर अपना धंधा चला सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ फ्रेंड्स, RRB का कन्फर्मेशन देना किसी के हाथ में नहीं है। मैं खुद नहीं बता पाऊंगा किस RRB का पहले किस RRB का बाद में होगा, बट कि ये लोग बहुत पहले से ऐसा एक वीडियो बना रहे हैं कि किस RRB पहले किस RRB बाद में होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं RRB के बारे में कि किस RRB पहले किस RRB का बाद में होगा, रिजल्ट कब आएगा बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो कोर्सेस है फ्रेंड्स, आप बहुत तेज़ से परचेस करें, अब तो आपका एग्जाम डेट नज़दीक आ चुका है, मात्र 40 से 45 दिन बचे, इसमें केवल 29 मार्क्स है। अगर इसे आप अभी परचेज नहीं करते तो इसमें आपका नुकसान है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मात्र 995 में है और एग्जाम डेट आज फाइनली डिक्लेयर हो चुका है, तो हो सकता है इसका प्राइस अब बहुत जल्द बढ़ जाए, डायरेक्टली 1990 हो जाए। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मौका आपका जो है हर एक एग्ज़ाम में तहलका मचा चुका है, NTPC CBT 1 में, CBT 2 के सारे एग्जाम्स में, तो यहाँ भी तहलका मचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर परचेस कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा। फिर जो लोग स्पेशली साइंस पर फोकस करना चाहते हैं उनके लिए ये है फ्रेंड्स, जो 499 का था अब मैथ्स 200 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसका भी मतलब प्राइस बढ़ सकता है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द आप लोग परचेज कर ले, इसका भी लिंक आपको ऐप के लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा। अगर आप लोग अभी तक ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, मतलब नहीं डाउनलोड किए हैं तो, क्योंकि ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस का, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस पर टेंटेटिव लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी नोटिस आता है, किसी भी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, उसमें साफ साफ टेंटेटिव ही लिखा, टेंटेटिव का मतलब ये होता है प्रस्तावित। लेकिन नए मुर्गे ने क्या बोला, टेंटेटिव का मतलब होता है आसपास का डेट, वो पता नहीं कौन सा इंग्लिश पढ़ता है कौन सा ग्रामर पढ़ता है मुझे नहीं मालूम है। टेंटेटिव मतलब प्रस्तावित, प्रस्तावित मतलब क्या, प्रस्ताव रखा गया है कि उस डेट से हम एग्जाम कराएंगे, वो डेट 100% कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की बात है फ्रेंड्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं बस यही कह सकता हूं पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो वैसे ही कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गारंटी नहीं लेता, हमेशा टेंटेटिव ही लिखता है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम डेट को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है।
अगर ये टेंटेटिव वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, कन्फर्म लिख देंगे, तो फिर इनके खिलाफ कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गनेशन हमेशा टेंटेटिव वर्ड मेंशन कर लें। टेंटेटिव मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आसपास का डेट, क्योंकि इससे पहले टेंटेटिव 20-25 बार मेंशन किया होगा आरबी ने, क्या आसपास के डेट पे एग्जाम करा दिया, क्या 2019 में एग्जाम कराया, क्या 2020 में एग्जाम कराया, नहीं कराया ना। तो पता नहीं छोटा मुर्गा जो है, नया मुर्गा, वो पता नहीं कौन सा इंग्लिश पढ़ता, मुझे नहीं मालूम, कि उसको बोल रहा है कि मतलब टेंटेटिव मतलब आसपास का होता है, मुझे नहीं मालूम क्या है। ठीक है, तो जान दिए, मुझे किसी पर्सनल टारगेट नहीं करना है, लेकिन टेंटेटिव को लेकर के आप परेशान मत होइए फ्रेंड्स। टेंटेटिव को मतलब कि बस इसलिए लिखा गया है कि हमेशा ये लिखा है, बात मान चलिए, बस एक कोविड सिचुएशन में लिखा गया है, कोविड की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। बट मैं बता दूं, आपका 17 का जो एग्ज़ाम है 99% एग्जाम स्टार्ट होकर रहेगा इस बार। हर एक नोटिस को मैं मना किया हूँ, एग्जाम स्टार्टिंग फेक है, इस बार मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ट्रू नोटिस है, फेक नोटिस नहीं है। हाँ, बीच में एग्जाम जा करके रुक सकते हैं अगर कोविड बीच में इंक्रीज होता है तो, लेकिन अभी 17 अगस्त तक मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है। 17 अगस्त से आसानी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको टेंटेटिव लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे मैं कैसे कन्फर्म बोलते TCS है, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है ना, मात्र 2.5 महीने में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लगभग June 1st में आपका टेंडर जो है फाइनल हुआ था, और ये लोग 17 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट करें, यानी केवल 2.5 महीने मिले हैं। और NCERT को देखें तो रेलवे 4 महीने का टाइम दिया था, तो आप सोच लो TCS कितना फास्ट काम किया है। लोग TCS को NCERT से कंपेयर कर रहे थे, आप सोच लो। तो ये मतलब जो क्रेडिट है ना TCS को जाना चाहिए, TCS की वजह से आपका एग्ज़ाम इतना जल्दी स्टार्ट हो पा रहा है। जल्दी में से बहुत लोग गाल देंगे 3-4 साल उनको जल्दी लग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ 3-4 साल से मतलब नहीं है, यहाँ मैं टेंडर डेट से काउंट कर रहा हूँ। मात्र 2.5 महीने लगे हैं, जबकि अदर कोई कंपनी होती ना तो 4-5 महीने लेती। आप देखे भी थे NCERT टाइम 4 महीने जोड़ा जा रहा था। तो आपको TCS को थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि RRB को, कि RRB नोटिस दिया है। और नोटिस आने से एक और फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स, आप ये ट्यूचर गैंग से बच चुके हैं जो आपको लगातार गुमराह कर रहे थे, गलत डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहे थे। ठीक है, अब आपके पास भरपूर चांस है कि आप अपना स्कोर अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम में इस लास्ट 45 डेज में किसी के भी बात पर विश्वास मत करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फोकस करें, उसी पर ध्यान दें, बाकी किसी यूट्यूबर के बात विश्वास मत करें। यूट्यूबर हमेशा फेक न्यूज़ देते हैं, अपने पास से कभी ईमेल रिप्लाई वायरल करेंगे, तो कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, ना जुलाई लास्ट वीक में एग्जाम हुआ, ना अप्रैल 1st में एग्जाम हुआ, ना अगस्त 1st में एग्जाम स्टार्ट हुआ। मैं आपसे क्या बोला था, 15 अगस्त तक इम्पॉसिबल है, सच्चाई सामने आ चुकी है। जहां तक मुझे 100% कंफर्म था, मैं वहीं तक दावा किया था। मुझे मालूम था 15 अगस्त एग्जाम नहीं हो सकता है, तो नहीं हुआ, इसलिए मैं दावा भी किया था। आगे मैं पॉसिबिलिटी की बात किया था कि जितना फास्ट इसे काम करेगा उतना फास्ट आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से प्रूफ हो चुका है, 15 अगस्त तक एग्जाम इम्पॉसिबल था, नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।